आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। एमपी के रीवा से बड़ी खबर। तीन लोगों ने मिलकर 18,000 रुपए एवं एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद मनगवा पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश मनगवा पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी आर.के. गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि नल जल योजना के तहत गोविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक ब्रजेश साहनी निवासी भागलू तमकुही राज खुशीनगर यूपी उम्र 25 साल मजदूर का काम कर रहा था, जो छुट्टी लेने के बाद मैनेजर से 18,000 रुपए हिसाब प्राप्त करने के बाद अपने घर यूपी के तमकुही राज खुशीनगर जाने के लिए भवार गांव से हाईवे की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही बाइक सवार तीन बदमाशों ने पथरहा के पास लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ लूटे गए 18,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी रोहित साकेत मेंथौरी मनगवा उम्र 25 साल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दो फरार आरोपी विकास साकेत एवं आकाश साकेत की तलाश की जा रही है। लूट की घटना का अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर लूट घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार आरोपी को मनगवा न्यायालय में पेश किया गया था, जहां जमानत नहीं दी गई और जेल वारंट बनाया गया था। इसके बाद आरोपी थाना से भागने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस अलर्ट रही और आरोपी भागते ही पकड़ लिया गया। लूट की इस घटना का खुलासा करने में मुख्य रूप से थाना प्रभारी आर.के. गायकवाड़ के साथ एएसआई नीरज सिंह, राम सिया रावत, भक्तराज सिंह, अर्पित सिंह एवं विष्णु पांडे की भूमिका विशेष रूप से रही। आइए आपको सुनाते हैं घटना को लेकर थाना प्रभारी आर.के. गायकवाड़ क्या जानकारी दे रहे हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। भगेलू साहनी उम्र 20 वर्ष निवासी, ये तमकुई राज जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश का था। ये यहाँ एक कंपनी है चल रही है, इसमें पानी यानी का काम पानी गोविंद कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वहाँ काम करता था करीब पिछले 2 महीने से। ये कल पेमेंट लेने के बाद, उसकी शादी थी 1 तारीख को, तो ये घर जा रहा था और करीब 11 बजे दिन ये कहीं पथरा रास्ते में कोई पुलिया है उसके पास पहुंचा था। सामने में 2-3 लड़के खड़े थे मोटरसाइकिल लेके, इन्होंने उसको रोका और इसके साथ हाथापाई की और इसके जेब में रखे 18,000 रुपये और एक मोबाइल की लूट कर लिए और भाग गए। इस सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध किए गए धारा 394 का। मामले में आरोपियों को तलाश की गई। तलाश के दौरान एक आरोपी रोहित साकेत पिता रामानुज साकेत निवासी खम्हारी गांव का है, थाना मनगवा का, और उसके साथी विकास साकेत आकाश साकेत निवासी मथौरी के नामनेट हुए, जिसमें से आरोपी रोहित साकेत दस्तयाब हुआ। कुल इस घटना में कितने लोग मिलकर अंजाम दिए? इस घटना में 3 लोगों का नाम आया है। इनमें से एक की गिरफ्तारी हुई? इनमें से एक की गिरफ्तारी हुई, रोहित साकेत की। आरोपियों से क्या जब्ती की गई? अभी आरोपी साकेत से जो पैसे इसके लूट हुए थे फरियादी के 18,000 रुपये, वो जब्त हुए हैं। मोबाइल और वो मोबाइल की जब्ती अभी शेष है। उसके द्वारा बताया गया कि शेष जो है उनके पास रखा हुआ है। वो ये भी बताया कि मुझे रखा दिए थे इसको पैसे को, कि बाद में अपन बंटवारा करेंगे। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आई कि आरोपी भागने का प्रयास किया था हाँ जानकारी मिली।
आज जानकारी मिली कि न्यायालय से आने के बाद आरोपी जो है भागने का प्रयास किया, उसका जेल वारंट बन गया था, इस कारण से वो भागने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ दूर पे वो गिरफ्त में आ गया। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।